सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। गुर पारस हम लोहो, गुर पारस हम लोहो, मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए, काया गढ़ सोहया राम। काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया, क्यों सास ग्रास विसारी है। अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हाँ सतगुर कै बलिहारी है। सतगुर आगे शीस भेट दियो, जे सतगुर साचे पावे। आपे दया करो प्रभ दाते, नानक अंक समावे। तेरा अंत ना जाई लखिया, अकथ ना जाई हर कथिया। नानक जिन को सतगुर मिलया, तिन का लेखा निबड़िया। नानक जिन को सतगुर मिलया, तिन का लेखा निबड़िया। जुगो जुग अटल शहनशाह। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सतगुरु शहनशाह दी पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठे सन्मानयोग गुरु दा खास रूप खालसा साध संगत अदब सहित सारी संगत मिल के गुरफतेह दी सांझ पाईए। कोई रसना बिरथी न रहे, एकागर चेत होवो ते सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सजे हुए दीवान विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सचे पातशाह दा गुरता गद्दी दिवस तीसरे दिन दे दीवान विच मिल बैठे हो। जिस दिन दशमेश पिता ने, अज ओ दिन है, अज ओ दिहाड़ा है, जिस दिन दशमेश पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सचे पातशाह ने उवें ही गुरता गद्दी, उवें ही अपना सिंघासन बिल्कुल उस तरह गुरगद्दी ते अपना सिंघासन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सचे पातशाह नूं बख्शिश कीता, जिवें कदे धन गुरु नानक देव साहब ने श्री गुरु अंगद देव साहब नूं बख्शिश कीता सी। ओइयो परंपरा, ओइयो मर्यादा। और बचन वरते, मेरा रूप ग्रंथ जी जान। अज ओ दिन है जिहड़ा आपां मना रहे। कलगीधर पिता ने इस दिन सन 1708 दे विच बचन वरते सन, मेरा रूप ग्रंथ जी जान, तिन मैं भेत नहीं कछ मान। जो सिख गुर दर्शन की चाहे, जे किसे सिख दे अंदर लालसा वा मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब दा दर्शन करना, कहिंदे मेरी जगह ते जिन्हां दे अंदर ए जोत अज समोह दित्ती है। कहन लगे किन्हां दा दर्शन करिया करना। जो सिख गुर दर्शन की चाहे, दर्शन करे ग्रंथ जी आए। ते पुछिया महाराज
कलगीधर पिता तुहाडा दर्शन करन वास्ते दिल करे पे गुरु गोबिंद सिंह साहब दा दीदार करा ते गुरु ग्रंथ साहब दा दर्शन कर लिया करांगे ते जे कदे दिल च आवे भी कलगीधर पातशाह नाल गल्लां करिए। कल मैं एक बेनती की थी ना जदों आपां विचार कर रहे सां सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ ते कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ ला के ये तो कह दिता कि जो सिख गुर दर्शन की चाहे दर्शन करे ग्रंथ जी आए ते सिख कहिंदे जे बातां करन नूं दिल करे अपने दिल दीआं बातां अपने दिल दीआं खाशां अपने दिल दीआं आसां अपने दिल दे वलवले दशमेश पिता तुहाडे नाल सांझे करन नूं दिल करे भी बाजां वाला सामने बैठा होए ते मैं अपने दिल दे वलवले मां गुजरी दे लाल नाल सांझे करां ते फिर ते पता कलगीधर पातशाह दे बचन जो इतिहासिक बचन आए कहंदे जो सिख मम चाहे कर बात मम मेरे नाल चाहे ओदी तमन्ना होवे भी मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब नाल बातां पावां दिल दीआं गल्लां करां ते की करिया करे मेरा सिख जो सिख मम चाहे कर बात ग्रंथ जी पढ़े विचारे साथ। कहन लगे दर्शन दीदार भी करे ते ग्रंथ जी पढ़े विचारे साथ नाल नाल धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़े ते श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कली पढ़े ही ना पढ़ पढ़ गड्डी लदिया वाले गल ना बन जाए पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात पढ़ी है जेते बरस बरस पढ़ी है जेते मास पढ़ी है जेती आरजा पढ़ी है जेते सास नानक लेखे एक गल होर होमे चखना चाख क्या पढ़ी है क्या गुणिया क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिले हो सोई की करना जी पढ़न दे नाल पढ़ना ते है चित रखे गल क्या पढ़ी है क्या गुणिया का भाव यह नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना कहंदे ग्रंथ जी पढ़े पर कला पढ़े ही ना पढ़न दे नाल नाल एक काम होर करे केड़ा जो सिख मम चाहे कर बात ग्रंथ जी पढ़े विचारे साथ। कहन लगे साथ साथ उस बाणी दी पढ़ पढ़ के नाल नाल विचार भी करे के बाणी कहिंदी की आ ते आ जिहड़ी गल आपां कर रहे ना ग्रंथ जी पढ़े विचारे साथ महाराज विचार करनी बहुत जरूरी है ते कलगीधर पातशाह दे बोल सन ना जिहड़े उहदे बारे च गुरु ग्रंथ साहिब ही बोले हुण कलगीधर पातशाह दे इदां जबानी दस रहे ना वार्तक च ते विद्वानां ने काव्य दे विच लिख दिता ग्रंथ जी पढ़े विचारे साथ ते जदों बाजां वाले दे मुंहों ये बचन निकले कलगीधर दे ते ग्रंथ जी पढ़े विचारे साथ ते जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब कोलों पुछिया ते गुरु ग्रंथ साहिब भी बोले फिर कि सबसे उपर गुर शब्द विचार सबसे उपर गुर शब्द विचार महाराज शब्द दी विचार बहुत जरूरी है। वह कहिंदे तीन गल्लां सब तो जरूरी है तीन गल्लां केड़ियां पातशाह कहिंदे जिन्हां वास्ते थाल गुरु ग्रंथ साहिब रूपी थाल तुहाडे लई तैयार कीता वा केड़ियां तीन गल्लां थाल विच किन्नियां वस्तां जी आखो सतनाम श्री सबसे उपर गुर शब्द विचार ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़े ते नाल की करे विचारे जो सिख मम चाहे कर बात ग्रंथ जी पढ़े विचारे साथ थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो विचार सिखी दा बड़ा वड्डा अंग है। हुणे सत्कार योग सोढ़ी साहब बचन कह के गए भी अज समागम सी एक ते उथे की सी जी गोष्ठी ते गोष्ठी दा अर्थ की हुंदा विचार सबसे उपर गुर शब्द विचार ग्रंथ जी पढ़े विचारे साथ कहन लगे विचार करे थाल वेच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को आ गल औखी जे जिहड़ी दूसरी आ खा ते लैने सारे आपां बाणी दा भोजन छक लिया बाणी दा भोजन खा लिया पर गल चेते रखियो जे को खावे जे को
ਪੁੰਚੈ ਪੁੰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਅਰਥ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪੁੰਚਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਆਪਾਂ ਖਾਧਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਦ ਆਪਾਂ ਖਾਧਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ, ਛਕ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਖੂਨ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਦਾ? ਲਹੂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਬਣਦਾ, ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਬਲੱਡ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਦਾ ਹੀ ਲਹੂ ਬਣਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਚ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਪਚੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਬਲੱਡ ਉਸੇ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਚ ਗਈ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਪੇਟ 'ਚ ਚਲਾ ਤੇ ਗਿਆ ਪਰ ਰੋਟੀ ਪਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਦਾਮ ਵੀ ਖਾ ਲਏ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਖਾਧੀ ਚੀਜ਼ ਪਚੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਏ ਪਰ ਛਕ ਕੇ ਪਚਾ ਲਏ, ਪਚਾ ਲਏ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਤੂੰ, ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਸਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖਲੋਨਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਹੀ ਉੱਠ ਖਲੋਨਾ, ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਚਿਆ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਚਿਆ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ, ਵੀ ਵਾਹ ਵੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਲਾਲਸਾ ਦੁਨੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਲਾਲਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖੀ ਭੋਜਨ ਤੇ ਤੂੰ ਛਕਿਆ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਚਾਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ। ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਉਧਾਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ 16 ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤੂੰ ਛਕ ਤੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਛਕੀ ਗਿਆ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨਿਮਰਤਾ ਆਈ ਜਾਏ ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਚ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਇਹਨੂੰ? ਔਰ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਰਸਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਔਰ ਧਾਰੋ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਤਮ ਸੰਸਾਰ, ਤਮ ਹਨੇਰਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਹਨੇਰਾ ਅੰਧਕਾਰ ਆ, ਤਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੀਏ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਤਮ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਹਨੇਰਾ ਵਾ, ਚਰਨ ਲੱਗ ਤਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਤਮ ਸੰਸਾਰ, ਚਰਨ ਲੱਗ ਤਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਰਨ ਲੱਗ ਤਰੀਏ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਗਈ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਧਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ 5 ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਦਾ 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 ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤਮ ਸੰਸਾਰ, ਚਰਨ ਲੱਗ ਤਰੀਏ, ਤਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਹਨੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ,
पढ़न वास्ते गुरु ग्रंथ साहब नूं कहिंदे जदों इत्थों तक जाएगा तैनूं उत्थे पहुंचा दांगा कि सब नानक ब्रह्म पसारो, सारियां दे विच ही प्रभु तेरा ही पसारा है, सारियां च तूं ही वसदा, तैनूं इत्थों तक लै जांदा ब्रह्म पसारो तक, तेरा ही पसारा है सारा, तेरा ही संसार है, तू ही जगत विच वसदा। पर एक बेनती करां सज्जनों चेते रखियो, पता कहड़ी विचार दी गल कर रहे सां, ग्रंथ जी पढ़े विचारे साथ, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़े ते नाल विचारे। पर गल आखां गुरु के सिख बैठे हो, कोई सिख परिवार सजनों ऐसा नहीं होगा जिसने कदे गुरु ग्रंथ साहब नू रुमाला भेटा ना किया हो। हर सिख परिवार ने रुमाला चढ़ाया हो ना गुरु ग्रंथ साहब नू, हर सिख परिवार, मैं नहीं किया होगा रुमाला भेटा, मेरे पिता ने किया होगा, मेरे पिता ने नहीं मेरे दादे ने, मैं नहीं किया मेरे बच्चियां ने, किसी ना किसी ने तो टब्बर चो परिवार चो कदे ना कदे रुमाला गुरु ग्रंथ साहब नू चढ़ाया ही है ना, भेटा किया ही है ना हर सिख परिवार। पर मेरी बेनती सुनो जिहड़े नुकते तो गल करनी चाहना, हर सिख परिवार ने, हरेक सिख फैमिली ने कदे ना कदे कदे ना कदे श्री गुरु ग्रंथ साहब ते रुमाला पाया है। हर सिख परिवार ने, कोई परिवार नहीं होगा जिन्हें गुरु ग्रंथ साहब नू रुमाला भेटा नहीं किया होगा। पर हर सिख परिवार ने गुरु ग्रंथ साहब उपर रुमाला पाया ते है, पर ओ किन्ने सिख परिवार ने जिन्ना ने कदे गुरु ग्रंथ साहब तो रुमाला चुक के वेख्या होए इस रुमाले दे थले किड्डा वड्डा खजाना आ, वो किन्ने परिवार है सोचो कदे। गुरु ग्रंथ साहब का दिहाड़ा मना रहे हो ना, गुरु ग्रंथ साहब का गुरतागति दिवस, हर सिख परिवार ने गुरु ग्रंथ साहब ते रुमाला पाया ते है, पर किन्ने सिख परिवार आ जिन्हां ने गुरु ग्रंथ तो रुमाला चुक के उस खजाने नाल सांझ पाई होवे, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन पया निदाना। ओ सज्जनो आपां गुरु ग्रंथ साहिब ते रुमाले पाए ते हैं, पर गुरु ग्रंथ तो रुमाला चुक के उस खजाने नाल सांझ नहीं पाई, उस भंडारे नाल सांझ नहीं पाई, वो प्यो दादे दे खजाने नाल प्रीत नहीं बनी। पर एक गल चेते ते सुनेहा लैके जाई अज गुरु दर तो कि कल्ला रुमाला पाउण नाल छुटकारा नहीं, उस रुमाले दे थले जिहड़ा खजाना वा गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा उहदे नाल प्रीत बना के ते कमाउण नाल छुटकारा है, कमाउण नाल। सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे, हर हर उत्तम बाणी गाव्या सुनिया तिन का हर थाए पावे, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। और चेते रखी भाई राय सिंह हुरी भी यह शब्द गा के गए सन गुरु रामदास पातशाह दे बोलिया, जिसनों गुरु साहब ने, यह भी गुरु रामदास पातशाह का ही शब्द है, सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बाणी गाव्या सुनिया तिन का हर थाए पावे, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मुंह कढ़ाए, वो निरंकार परमात्मा आप बाणी तुहाडे मुख तो कढ़ाउंदा आ, आप अपना नाम तुहाडी रसना तो जपाउंदा वा, इहनूं सत करके जानना। आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो की बाणी जी गुरु केरी, गुरु केरी दा अर्थ हुंदा गुरु दी जिहड़ी सतगुर दी रसना तो निकली है, वह सच्ची बाणी है। क्योंकि नाल अगली पौड़ी भी पढ़ लेनी, उस अगली पौड़ी नूं होर स्पष्ट कीता, सतगुरु बिना होर आखो सतनाम श्री ते कच्ची तुहानूं सच्चे तक लै जाएगी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी ते कच्ची सच्चे तक लै जू, सच्चे दी सच्ची बाणी ही सच्चे तक लैके जा सकती है। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, फिर स्पष्ट किया गुरु अमरदास साहब ने, बाणी तो कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे, आखो सतनाम श्री बाणी कच्ची ते कहण वाले सच्चे हो सकते, कहंदे कच्चे ते सुनने वाले कहंदे कच्चे सुन दे
कच्चे कच्ची आख वखाणी आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सची बाणी बाणी तां गावो गुरु केरी बाणिया शेर बाणी सतगुरा बड़ी गाई बड़ी पढ़ी बड़ी विचारी हिरदे च किदां जाऊगी दिल च किवें जाए कहण लगे जिन को नदर कर्म होवे जिन्हां ते बख्शिश दी नदर हो जाए हिरदे तना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सदा रहो। महाराज सच्चे पातशाह कहते नाम अमृत उन्होंने अंदर गया इस बाणी का अमृत उन्होंने हिरदे च गया हमारी प्यारी अमृत धारी गुरनिमख न मनते तारी रे दर्शन परसन सरसन हरसन ये बाणी की उपमा जे रंग रंगी करतारी रे एक करतार दे रंग विच रंगी होई आ जेडे कमा लेंदे ओ करतार दे रंग विच रंगे जांदे आ एक खसम तो आई आ जेड़े जप लेंदे ते कमा लेंदे उन्हां नूं खसम दे रंग विच रंग देंदी आ ए बाणी खसम तो आई आ खसम तक लै जांदी आ निरंकार तो आई आ निरंकार तक लै जांदी आ गुरु अमरदास कहंदे ओ निरंकार तो आई बाणी ते एक पासे रही के निरंकार तक लै जांदी आ गुरु अमरदास कहंदे मेरे दिल कोलों पुछ के वेखो मेरे लिए बाणी ही निरंकार है वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड अवर न कोए एदे तुल एदे बराबर दा संसार जगत विच होर दूसरा है ही कोई दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे ये गल पूरी करनी चाहना अगली पंक्ति बड़ी कमाल दी आखी गुरु अर्जन देव साहब पता की कहंदे जी बाणी दी उपमा च कहंदे खेन राम खेन किनू कहंदे आ अख चमकण जिन्ने समय नू अख चमकण जिन्ना समा खेन खेन राम ए बाणी अख चमकण जिन्ने समय लई जे किते तेरे अंदर राम जाए तेरे अंदर वस जाए तेरे अंदर टिक जाए अख चमकण जिन्ने समय लई जी पुछया की मिलेगा अख चमकण जिन्ने समय लई बाणी अंदर वस जाए की मिलूगा खेन राम गुर गम इत्थे गम दा अर्थ है पहुंचना कहंदे तेरी गुरु तक पहुंच होगी सतगुर तक पहुंचना चाहते जे ना गुरु ग्रंथ साहब तक कहंदे किणका मात्र ही अपने अंदर बाणी राम लै वसाला तेरी गुरु तक पहुंच हो जाएगी ते पुछया गुरु अर्जन देव जी एक खेन वास्ते बाणी मेरे अंदर वसी ते मेरी गुरु तक पहुंच होगी ते जे हर दम मैं बाणी नूं चेते रखा दम दम सदा संभालदा दम ना विरथा जाए ते जे हर दम मैं बाणी नूं चेते रखा फिर आ सुनियो गुरु अर्जन देव साहब की बात आहा आखो सतनाम श्री कहंदे एक खेन वास्ते बाणी तेरे अंदर वसी खेन राम ते मिलिया की जी गुर गम तेरी गुरु तक पहुंच होगी कहंदे हर दम जे इस बाणी नूं मैं हर दम चेते रखा हर साह नाल याद रखा फिर की मिलूगा गुरु अर्जन देव कहंदे ओ सिखा खेन वास्ते जपी ते गुरु नू मिल पिया कहंदे हर दम जप ली मैं तेरी जिम्मेवारी लेना जमा तो खेड़ा छुट जाएगा जमा तो खेड़ा छुट जू मौत भी तेनू सता नहीं सकेगी तेरा जमा नाल वाह ही नहीं पै सकता हर दम बाणी चेते आ जिथे बाणी है ना जम नहीं आ सकता आ बाणी वचन सुनियो खेन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक और हरी रे कंठ च भी वसा और हिरदे विच वसा कल्ली कंठ गले तक ही ना रह जे हिरदे तक चले जे तेरे बाणी अंतश करन तक चल जे तेरे सुर तो थे रखियो जो सिख मम चाहे कर बात ग्रंथ जी पढ़े विचारे साथ सन 1708 च ज्योति जोत समाउण तो पहला कलगीधर पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लाउण वेले ए बचन कहे सन मेरा रूप ग्रंथ जी जान तिन मैं भेत नहीं कशमान सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब नाल बातां हो जांदियां गुरु ग्रंथ साहब नाल गल्लां करन लग पईदा हां गुरु ग्रंथ साहब नाल बातां पाईयां जा सकदियां दिल दियां कल भी सत्कार जो सोढ़ी साहब नाल बचन चल रहे सी दफ्तर च बैठे सन मैनेजर साहब बैठे सी सरदार सुरजीत सिंह री बचन कर रहे सन कहंदे कुछ ना कुछ हुक्मनामे जरूर सांझे कर जिओ कादे लई गुरु ग्रंथ साहब बोलदे हन कुछ हुक्मनामे है बहुत
8 10 मैं तुहाडे नाल सांझे कर देने अपने समय च 8 तो 10 तक हुक्मनामे तुहानूं पता लगे गुरु ग्रंथ साहब बोलदे गल्लां कीतियां जा सकदियां उहदे नाल जो सिख मम चाहे कर बात कलगीधर पातशाह कहिंदे जिहड़े मेरे नाल गल्लां करनियां चाहुंदे आ ग्रंथ जी पढ़े विचारे साथ हां किवें पहले तीन हुक्मनामे मैं तुहानूं उह दसणे जिहड़े गुरु साहिबानां दे गुरु साहिबानां तों पाव शरीरक जामे च जदों गुरु साहिब मौजूद आ 10 पातशाहियां चों उहनां दे वेले जिहड़े आए आ सन 1604 दे विच हरिमंदर साहब दे अंदर जदों पहला प्रकाश करके भाई गुरदास जी तों गुरु ग्रंथ साहिब लिखवाए धन बाबा बुढ़ा साहिब नूं हरिमंदर साहिब दे पहला ग्रंथी स्थापित कीता एक बाबा बुढ़ा साहिब दी गल सांझी करदा मेरा दिल करदा हुंदा कदे कदे जदों बाबा बुढ़ा साहिब दी बात छिड़दी है ना इक्को एक सिख आए जिसने 113 साल गुरु नानक दे घर दी सेवा कीती है जी 113 साल बाबा बुढ़ा साहिब और एडा प्यारा सिख जी हो जेडे सिख गुरु नाल प्यार करदे सन जी वध तो वध कोई सिख शरीरक जामे च गुरु साहब गुरु साहिबां दे चरणां दे उत्ते सिर रख के मत्था टेक सकदा सी सिख वध तो वध उदां महाराज तख्त ते बैठे दूरों मत्था टेकदियां सी संगतां ते जे गुरु साहब किसे नाल बहुत प्यार करदे आ ना जी ते गुरु साहब उहनूं अपने चरणां तों चुक के ना जी ते अपने गल नाल ला लैंदे सी गलवकड़ी नाल बाबा बुढ़ा इक्को एक सिख आ इक्को सिख जेड़ा गुरुआं दे चरणां ते भी सिर रख के मत्था टेकदा रहा जिसनूं गुरु साहब अपने चरणां तों चुक के अपनी गलवकड़ी च भी लैंदे रहा इक्को एक सिख आ जेड़ा गुरुआं दे मत्थे नूं भी हाथ लाउंदा रहा गुरुआं दे मस्तक नूं भी हाथ लाउंदा रहा इक्को सिख धन बाबा बुढ़ा साहिब कदों भला मत्थे नूं कदों हाथ लाउंदा रहा जदों गुरता गद्दी दिंदे रहे आखो सतनाम श्री इक्को सिख बाबा बुढ़ा गुरुआं दे मत्थे नूं हाथ लाउंदा रहा मस्तक नूं और कमाल दी बात जिस दिन बाबा बुढ़ा साहिब नूं हरिमंदर साहिब दे पहले ग्रंथी स्थापित कीता किन्नी उम्र सी बाबा बुढ़ा साहिब दी हुण ते आपां 60-65 साल दी उम्र च रिटायर कर देने ना सन्ना पढ़ो बाबा बुढ़ा साहिब दा जन्म बाबा बुढ़ा साहिब नूं सन 1604 च हरिमंदर साहिब दे ग्रंथी स्थापित करना धन बाबा बुढ़ा साहिब दी उम्र उस वेले तकरीबन 98 साल दी है 100 साल चों सिर्फ 2 साल घट 98 साल दे बाबा बुढ़ा साहिब उस वेले और एक बात लिखी थी एक विद्वान एक ग्रंथ है बंसावली नामा केसर सिंह शिबर ने ग्रंथ लिखिया जी भाई केसर सिंह शिबर लिखदा पता की कहिंदा हरिमंदर साहिब दे अंदर बाबा बुढ़ा साहिब गुरु ग्रंथ साहिब दा हुक्मनामा लैंदे सी मुख वाक ते 98 साल दे ने बाबा बुढ़ा साहिब हरिमंदर साहिब दे अंदर कीता प्रकाश ते जिहड़ियां हजारां संगतां परकर्मां दे विच सरोवर दे दुआले जिहड़ियां परकर्मां वा उत्थों तक जिहड़ियां संगतां बैठियां ना बाबे बुढ़ा साहिब दी आवाज सरोवर दीआं परकर्मां विच बैठियां संगतां तक गूंजां पाउंदी सी उह आवाज गूंजदी सी आवाज बाबे बुढ़े ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਖਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਲਮਾ ਘੜ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਆ ਜੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ
गुरु गोबिंद सिंह साहब दमदमा साहब तो चलन वेले हजूर साहब तक नाल लैके गए और उस स्वरूप ही हजूर साहब जाके गुरता गद्दी बख्शिश की। चेते रखना है उस स्वरूप ही उदों तक गुरु ग्रंथ साहब तो होर उतारे हो चुके सन। जदों भी कदे गुरु ग्रंथ साहब का सवेरे प्रकाश करते हो गुरु ग्रंथ साहब हुण इत्थे बैठे आप गुरुद्वारा साहब जां रात नूं सुख आसन करदे हो जां कितें वी उदां दर्शन करो ते जेड़ी गुरु ग्रंथ साहब दी जिल्द है ना जिल्द दे बाहर अज भी ये गल लिखी हुई है। कितें वी गुरु ग्रंथ साहब छापिया जावे उत्थे बार बार ये गल लिखी हुई है इस बीड़ दी सुधाई उस दमदमी बीड़ दे नाल कीती गई है जेड़ी गुरता गद्दी उपर विराजमान है। लिखिया होया अज पर मेरी बेनती सुनियो जेड़ी गल मैं करनी चाहना हुण दमदमा साहब गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लिखिया तो प्रकाश तो करना ही है ना हुण उत्थे कलगीधर पातशाह ने विचार भी की गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दमदमा साहब भाई साहब भाई मनी सिंह ने हुक्मनामा लिया केड़ा वाक आया से उदों पहला पहला तो हो गया तीन हुक्मनामे मैं तुहानूं दस्सिया ये सांझे करने जिहड़े गुरु साहिबाना दे समय शरीरक जामे जदों गुरु साहब संतां के कारज आप खलोया बाबा बुढ़ा साहब ने लिया वाक हरिमंदर साहब सन 1604 दमदमा साहब की धरती गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप कलगीधर पातशाह ने लिखाया। यह बेसिक गल्लां वा मुढ़लियां बातां वा आपां सिखियां इन्हां गल्लां दा घट्टो घट आपां नूं जरूर घरां च पता होवे। भाई मनी सिंह ने दमदमा साहब हुक्मनामा लिया टोडी महला पंजवां सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाहे हमारी। एक हुक्मनामा मैं राती सांझा कर गया सा तुहाडे नाल ओ इस करके नहीं मैं गिणती कर रहा ओहदे विच जदों महाराज हजूर साहब गए आ ते जांदियां साहब सार हजूर साहब जदों महाराज का गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया गया उस वक्त वाक आया सीगा सूही महला पंजवां अबचल नगर गोबिंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम तां करके नदेड़ का नाम अबचल नगर रखा गया सी। ये चेते रखे अबचल नगर भी कहिंदे हजूर साहब ये हुक्मनामा आया सी। पर जिहड़ा मैं विशेष तौर पर अज के दिन से हुक्मनामा जारी हुक्मनामा आया वह आप संगतां नाल सांझा करना चाहना जिहड़ा जदों गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरता गद्दी दे दित्ती कलगीधर पातशाह ने परिक्रमा करके मथा टेकता सिर झुकाता ते अज तो तुहाडा गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज होया मेरा रूप ग्रंथ जी जान ते सिख कहिंदे महाराज हुक्मनामा सुणे हुण जिहड़ा उस दिन आया सिख कहिंदे महाराज गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरता गद्दी बख्श दित्ती जे अज तो सिखां दा गुरु शब्द गुरु हो गया गुरु ग्रंथ साहब साडा हाजर नाजर गुरु होएगा हाजर नाजर प्रतख गुरु होएगा गुरु ग्रंथ साहब। मेरा बाजा वाला बोलिया आह बड़ी प्यारी बात जी सिख कहिंदे महाराज गुरु ग्रंथ साहब साडा हाजर नाजर गुरु होएगा हाजर नाजर ते मेरा दशमेश पिता पता की बोलिया कहिंदे सिखो ये गुरु ग्रंथ साहब खालसा जी ये पुछदे हो कि साडा गुरु ग्रंथ हाजर नाजर गुरु होएगा ये पुछदे जे कहिंदे हां महाराज कहिंदे मेरे कोलों क्यों पुछदे जे गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछ लो मेरे कोलों पुछो। ये अज ही सवाल पैदा किया ना तुसीं सवाल उठिया कि गुरु ग्रंथ साहब साडे हाजर नाजर गुरु होणगे कहिंदे गुरु ग्रंथ साहब का वाक लो हुक्मनामा लो आपे गुरु ग्रंथ साहब बोल के दस देणगे लो वाक। जिस दिन गुरु ग्रंथ साहब जी ने गुरता गद्दी दी कलगीधर पातशाह ने पता किहड़ा हुक्मनामा आया जी गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंग हजार दे उत्ते शब्द मारू राग च पता की वाक आया हुण सवाल भी चेते रखियो जिहड़ा सिखां ने कीता कि गुरु ग्रंथ साहब साडा हाजर नाजर गुरु आ जिन्हां नूं अज गुरता गद्दी दी जे ते वाक पता की आया जी मारू महला पंजवां खुल्लिया करम किरपा भई ठाकुर कीर्तन हर हर गाई श्रम थाका पाए बिश्रम मिट गई सगली ताई अब मोहे जीवन पदवी पाई चीत आयो मन पुरख बिधाता संतन की शरणाई ते अगे जाके एक तोक आई साध हजूर हाजर है नाजर कते न पयो दुराई ओ ते तुहाडे हाजर नाजर आ ओ ते कदे तुहाडे तो दूर जांदा ही नहीं हाजर नाजर आओ दूर नहीं जाता। यह पंक्ति आई जो सारा हुक्मनामा पढ़िया गया ना सारा वाक लै लिया ते जेड़े प्रश्न करने वाले सवाल करने वाले सी ना सिख
उन्होंने मेरे कलगीधर पातशाह कहन लगे गुरसिख सजनों खालसा जी तुसी पुछदे सो गुरु ग्रंथ साहब साडा हाजर नाजर गुरु आ ते की बोले गुरु ग्रंथ साहब की बोले आ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਦ ਹਜੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਅੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਖਣ ਉਹ ਲਿਆ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਔਰ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਸਾਂ ਦੀ ਆ ਨਾ ਜੋਤ ਦਸ ਵੇਖੀਆਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦਸ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਭਲਾ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਦਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾਦਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਰਸਨਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਸਨਾ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਿਹਨੇ ਧਰਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਜੀਭ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਧਰਨਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਧਰਨਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੇ ਧਰਨਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਆਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਥ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਪ ਵਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਪਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਅਰਦਾਸ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਧਰਨਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਧਰੇ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਧਰੇ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲੱਥੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਟਾਏ ਬੰਦ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਤਨ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਤੇ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਾੜੇ ਗਿਆਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਧਰੇ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਮਨ ਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਧਰੇ ਧਿਆਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਧਰੇ ਧਿਆਨ ਉਹ ਸੱਜਣੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੱਚੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਧਰੇ ਧਿਆਨ
तेरा मन धरे भाई शबेक सिंह शाहबाज सिंह चरखड़िया ते चढ़ गए प्यो पुत बोटी बोटी हो गए उन्हां दा धरे तेरा मन ध्यान भाई तारू सिंह दा तेरा मन धरे ध्यान जंडा नाल पुठे बन के सड़न वालियां दा तेरा मन धरे ध्यान ते जबान आखे वाहे गुरु और सच जानियो सिखा सिखी तेरिया कुलां विचों नहीं मुक सकती सिखी तेरिया जेड़ी दशमेश पिता दी सिखी है तेरिया कुलां विचों नहीं मुक सकती क्यों तू कहना बच्चे आखे नहीं लगते पतत हो गए दस्तारा नहीं सजाउंदे क्यों शराबा पीन लग पे आ क्योंकि सजना तू उन्हां शहीदां दा ध्यान नहीं धरिया तो वाहे गुरु ते आख्या वाहे गुरु ते आख्या तू इहदे च कोई शक नहीं गा कि जदों अरदासिया सिंह ने कहा बोलो जी वाहे गुरु तो सजना तू वाहे गुरु बोलिया वा पर तू उन्हां शहीदां दा ध्यान नहीं धरिया ध्यान जिस दिन शहीदां दा ध्यान हो गया तेरी सुरत दे विच ओ जिहड़ी बिरती है ना तेरी सुरत बिरती सोच है जिहड़ी ओहदे चो शहीद वस जाणगे उहनां दीआं कुरबानियां उहनां दा डुल्लिया लहू तेरे ज़िहन विच बह जाएगा ते तुहाडे ज़िहन ते उस शरीर दे विचों उस मां दी कुख चो पैदा होया बच्चा किवें पतत हो जाएगा किवें सिखी छड़ दूगा एक दलील दिआं संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी खालसा पिंडरां वाले इन्हां आखियो मैं अपने विषय तो बाहर निकल गया मैं वह हुक्मनामे तुहाडे नाल सांझे करने आ संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी खालसा पिंडरां वाले जिन्हां नूं कहिंदे इह जिहड़े संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले होए उन्हां तों पहलां संत करतार सिंह जी हरी सन उन्हां तों पहलां संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी हरी सन उन्हां तों पहलां संत सुंदर सिंह जिहड़ा पिंडरां वाले शब्द है ना जी इह संत सुंदर सिंह होरां तों नाल जुड़िया वा उह पिंडरां पिंड दे रहिण वाले सन पर एक दलील देन लगा साधु संत सुंदर सिंह और आदि जड़ी मां सी ना जी माता जिन्हें जन्म दिता संत सुंदर सिंह नु जिस दिन उन्हें पता लग गया माफ करियो तुसी सत्कार योग मेरिया भैणा बच्चिया मातावां बैठियां जी जिस दिन संत सुंदर सिंह दी मां नु पता लग गया कि मेरी कुख दे विच कोई बच्चा पलदा पिया पता हुंदा ना कि हुण मैं गर्भवती आने वाले समय च मैं किसी धी नु पुत नु जन्म देना पता उस मां ने की किया जी संत सुंदर सिंह होरी गर्भ च जिस दिन पता लग गया कि मैं आने वाले 9-10 महीनों बच्चे नु जन्म देने वाली हाँ अमृत वेले का जिहड़ा नितनेम पंजां बाणियां का करदी सी ना बीबी माता अमृत वेले का नितनेम डबल शुरू कर दिता डबल नितनेम पहला अपने वास्ते पंज बाणियां पढ़नियां अरदास कर दिती बाजा वाले पंजा बाणिया का नितनेम किया भुलां चुकां की खिमा अपने चरणा नाल जोड़ी रख फिर जपजी साहब तो शुरू हो जाना अरदास करके ते जो पंजे बाणिया पढ़ लैनिया ना जी उस मां ने ते पंजे बाणिया पढ़ के कहना बाजा वाले धन गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब दाता आ जिहड़ा पंजा बाणिया का नितनेम किया मेरी कुख दे विच पल रहे बच्चे वास्ते इस दा फल इस बच्चे नूं मिले धी होवे भावे पुत हो भावे पोते भावे ती है एदा फल इनू मिले ये नितनेम इस बच्चे दा शाम नूं रह रास दा पाठ दो वरी करना सौण लग्या कीर्तन सोले दा पाठ दो वरी करना ये मेरा इस बालक दा इस धी दा कोई भी धी है पोते इस बच्चे दा बच्चे ने जन्म ते लै लिया पैदा हो गया बच्चा और उस बच्चे दे जन्म लैण तो बाद भी बाबा सुंदर सिंह होरां दे 7 साल दे जदों है 7 साल दे उदों तक डबल नितनेम करती रही मां ते जदों संत सुंदर सिंह 7 साल दे होए ना जी 7 साल दे ते सिखाउंदी रही 7 साल दे बच्चे नूं गोदी च लै के जपजी साहब पढ़ना गोदी च लै के जाप साहब पढ़ना लोरियां किहो जिहियां दिंदी होगी मां किहो जिहियां लोरियां होणगियां सामने फिल्म नहीं लगी अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र उथे नहीं आते पे उथे जैजी बैंस नहीं गाँव पिया सामने उथे सास भी कभी बहू थी ए नहीं बच्चे ने जन्म लेना कुख तो टेलीविजन दे उते सास भी कभी बहू थी ए लगा टेलीविजन तेरे घर जन्म लेने वाले किहो जे जमने पैदा किहो जे होने भैनो गुस्सा ना करो सच जे अज सच सिखी की आ सिखी आखो सतनाम श्री सतनाम श्री बच्चा 7 साल का हो गया 7 साल का जो महापुरुष संत सुंदर सिंह 7 साल के होए ना जी पंजा बाणिया का नितनेम बालक आप करन लग पिया
ਤੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸੱਤਾਂ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਨਿਤਨੇਮ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਤੋੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਤੋੜੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਏ ਆਪ ਵੀ ਜਪੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਸਾਧੂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭੇਖ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬੜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਸਜਣੋ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਕਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਧਨ ਸਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਮਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨੀ ਹੈਗੇ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਂਡੀ ਆ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸਾਧ ਹਜੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ ਕਤੇ ਨਾ ਪਇਓ ਦੁਰਾਈ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਲ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਚਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਿਖਾ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਆ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਇਹ ਨੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈ ਵਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਥ ਨਿਭਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪਤਨੀ ਆ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਆ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਪਤਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸਵਾਏ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖੇਗੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਓਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਪਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਿਭਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅੱਠ ਦਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਟਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਟਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਕਾ ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕਲਗੀਧਰ ਚਰਨ ਪਾਵਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਲਗੀਧਰ ਚਰਨ ਪਾਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਟਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਟਕਾ ਮਨ ਦਾ ਟਕਾ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਟਕਾ ਸੁਰਤ ਦਾ ਟਕਾ ਬਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸੰਨ 1732 ਨਵਾਬੀ ਆਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਭੇਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਨਾ ਖਿਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ
पर लैके आया सरदार शबेक सिंह। शबेक सिंह कहिंदा भी जिन्ना कुछ मिलदा लै लो, अपना एक सिंह नवाब बन गया ते अपनी कुछ राजनीतिक तौर पर भी ताकत हो जूगी अपने को। शबेक सिंह दे जोर देन ते पंथ खालसे ने आख्या असीं गुरु ग्रंथ साहिब कोलों पुछ लईए भी इह नवाबी लईए कि ना लईए। श्री अकाल तख्त साहब ते खालसे पहुंचे, पाठ चल रहा, एक सिंह पाठ करदा पिया, जदों जाके मत्था टेकिया ते पता की आवाज गूंजी उसके मुंहों पंक्ति निकली, टहल महल ताको मिले जाको साध कृपाल। पंक्ति सुनी, अर्थ नहीं करने हुण मैं, टहल महल ताको मिले जाको साध कृपाल। पंथ खालसे ने बेनती की जी ये नवाबी लै लेनी चाहिए आ, ते नवाब बनाउणा किनूं आ जेड़ा घोड़िया के तबेले च घोड़िया की लिद सुटदा, घोड़िया की लिद ढोण वाला सरदार कपूर सिंह। ते जदों दीवान सजिया हुंदा, कथा कीर्तन हुंदा दरबार च, उस वेले पखा लैके ते संगत नूं पखा चलदा, गर्मी च गर्मियां दे ना पखा चलदा, उहनूं नवाबी दित्ती। अज उहनूं नवाब कपूर सिंह कहिंदे आ। एक होर बचन सुने हुण नाल नाल, सन 1920 दे विच, सौ साल नहीं होया, हरिमंदर साहब जिहड़े लोग काबज सन, हरिमंदर साहब का कब्जा कदे उहनां लोकां कोल भी रहा वा। सन 1919 दे विच जलियां वाले बाग का साका होया, जलियां वाले बाग का 1919 च होया विसाखी वाले दिन, और बेदोशे लोगों नूं गोलियां नाल भुन दिता गया जलियां वाले बाग च, ते लोगों नूं जानों मार के खूह च सुट के जलियां वाले बाग च लाशां। जदों जनरल अडवैर हरिमंदर साहब मत्था टेकन गया, हरिमंदर साहब का प्रबंध किहड़े लोगों कोल होगा, उस वेले जनरल डायर नूं हरिमंदर साहब सरोपा दे के सन्मानित किया गया, उन्हें सन्मान दिता गया जनरल डायर नूं, क्यादा कि तू जलियां वाले बाग च बड़ा चंगा काम किया। ये वक्री बात आ कि पंजाबियों की डिगी हुई पग सरदार ऊधम सिंह ने लंडन की धरती के उत्ते जाके फिर जनरल डायर की छाती च गोलियां मार के फिर पग सिर ते रखी। कदे कदे उन्हां लोकां नूं जरूर याद कर लिया करो, क्योंकि सिख हुणे सरदार भगत सिंह होरां दी बात भी स्टेज तों करके गए सोडी साहब, पर जिहड़ी मैं गल कर रहा सी सन 1920 कुछ नीवियां जातां दे लोक, वेखो गुरमत च जात नहीं हैगी, भावें जात गोत कोई नहीं, सारे बराबर आ, परंतु जिहड़े उस वेले मन्नदे सन लोक उन्होंने अमृत छक लिया ते खंडे बाटे की पौल छक के ना जी, ते हरिमंदर साहब दे अंदर कड़ाह प्रसाद की देग लैके गए वह सारे सिंह कि साडा कड़ाह प्रसाद हरिमंदर साहब दे अंदर कृपान भेट किया जाए। तो जेडे उस वेले दे प्रबंधक सन, ये 1920 की गल है जी, उन्हें कहा कड़ाह प्रसाद लैके आए, कहिंदे शूदर जे नीवियां जातां दे दे, वो कहिंदे जी तुसीं मन्नदे होगे असीं ते खालसे हो गए, हुण असीं ते खंडे बाटे दा अमृत छक लिया, असीं ते दशमेश दे खालसे आ। वो कहिंदे पर फिर भी तुसीं नीवियां जातां चों आए जे तुहाडा कड़ाह प्रसाद हरिमंदर साहब नहीं लिया जा सकता। अच्छा हरिमंदर साहब ये तो चौं वरना को सांझा वा, चार दरवाजे हरिमंदर साहब के चौं वरना वास्ते सब खुले रखे सन, अज तुसीं आ गए, कहिंदे ये नहीं हो सकता, वो कहिंदे नहीं हो सकता, चलो बाहर। गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया उस वक्त के गुरु घर के ग्रंथी हरिमंदर साहब के ज्ञानी गुरबख्श सिंह सन उस वेले ग्रंथी, उन्होंने हाथ खड़ा किया, कहिंदे जाना नहीं बई। वो प्रबंधक कहिंदे की गल है, तो जिहड़े कड़ाह प्रसाद वाले भी है वो कहिंदे जी की हुक्म आ। ज्ञानी गुरबख्श होनी प्रबंधकों नूं भी कहिंदे जी गल है भी गुरु ग्रंथ साहब चों हुक्मनामा लैके वेख लीए, गुरु ग्रंथ साहब नूं ते मानदे जे, कहिंदे मानदे आ, कहिंदे गुरु ग्रंथ साहब कोलों वाक लैके पुछ लैंदे आ भी इहनां दा कड़ाह प्रसाद लैणा चाहीदा कि नहीं लैणा चाहीदा। गुरु घर दे कदे ग्रंथी भी जिहड़े आ ना जी वो बड़ियां बड़ियां बातां पा के, बाबा बुढ़ा साहब की सन हरिमंदर साहब दे ग्रंथी, भाई साहब भाई मनी सिंह जिन्हां दा बंद बंद कटिया गया गुरु घर दे हरिमंदर साहब दे ग्रंथी, ये ज्ञानी गुरबख्श सिंह भी हरिमंदर साहब दे ग्रंथी आ। एक होर ग्रंथी दा नाम लै दे, बड़िया दा जिक्र किया जा सकता, ज्ञानी संत सिंह जी, ज्ञानी संत सिंह महाराजा रणजीत सिंह ने जिहड़ा हरिमंदर साहब दे उत्ते सोना लगा ना, हरिमंदर साहब ते सोना ये महाराजा रणजीत सिंह ने लवाया सी, परंतु प्रेरणा ज्ञानी संत सिंह जी। दलील दे कदी पढ़िया जी हरिमंदर साहब जाके लिखिया होया उत्ते की भला, एक तो हरिमंदर साहब का मुख दरवाजा
जेडे पुल तो आप जाने दर्शन जोड़ी तो अकाल तख्त के सामने जाते हो पुल जितों शुरू हो जाता हरिमंदर साहब का जो मुख्य दरवाजा जितों आप अंदर वड़ते हैं बाहर जो सोना लगा हुआ दरवाजे के बाहर खलो के आ सरदल है जेड़ा बाहरला दरवाजा उत्थे खलो के पढ़ के वेखियो एक बात उत्थे लिखिया होया भी यह जी सोने की सेवा वा संखेप च बेनती कर रहे हैं यह सोने की सेवा महाराजा रणजीत सिंह दे सिर ते हाथ रख के गुरु साहब ने आप करवाई यह लिखिया उत्थे अगली गल जी मैं करनी चाहना यह भी सुनियो हुण हरिमंदर साहब अंदर मत्था टेकिया महाराज नूं जाके खब्बे हाथ गुरु ग्रंथ साहब सामने प्रकाशमान है मत्था टेक लिया खब्बे हाथ बाहर निकल आए घंटा घर वाले पासे अजायब घर वाले पासे खब्बे हाथ ही निकलते हो बाहर मत्था टेक के खब्बे हाथ बाहर आ गए जो दरवाजे तो बाहर निकलते वो जी कंध है हरिमंदर साहब की चिट्टा जिथे लगा हो ना पत्थर वो काले अखर च एक गल होर लिखी हुई है पढ़ के वेखियो पता की लिखे उसे ये हरिमंदर साहब ते सोने की सेवा महाराजा रणजीत सिंह पासों गुरु साहब ने करवाई पर एक लफज पता की उसे मार्फत ज्ञानी संत सिंह जी ये बात लिखी हुई है क्योंकि असं प्रचारक लोग हैं असं प्रचार करने वाले असं एक एक चीज जी जो उसे जाके दर्शन भी करने ना असं किसी भी स्थान पर असं चल जाइए असं एक एक चीज जी बड़ी बरीकी असं वेखना बरीकी इदा क्यों लिखा इतने ये इंज क्यों रखिया इंज क्यों आए थे असं बरीकी जाना क्योंकि असं प्रचार करना जा हरिमंदर साहब हरी का मंदिर रब का मंदिर हरिमंदर साहब के चार दरवाजे ना जी जे चार दरवाजे शायद तुम्हें तो पता हो किसी बाहरों लॉक नहीं लगता किसी दरवाजे बाहरों नहीं सिस्टम है वह अरल हों ना जो कुंडा हों बहर है ही नहीं बाहरों नहीं लगता किसी क्यों वह हरी का मंदिर उत्थे हरी रब वसदा वा ते नहीं मैं बारों जदों मर्जी हरी दा मंदर है रब दा मंदर ते मैं जदों दिल करे दरवाजा खोल के अंदर वड़ जा दस्तक देनी उहदे दरवाजे ते खड़काउणा वा मालका मैं तेरा सेवक आ गया कवाड़ खोल उहने खोलना वा दरवाजा उहने खोलना वा असी खड़काउणा वा खोल दरवाजा दर मादे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल कवाड़ क्या जाता हरिमंदर साहब वास्ते कि भी हरिमंदर साहब के दरवाजे इन्ने बजे खोलते हैं हरिमंदर साहब के बूहे इन्ने बजे खोलते हैं हरिमंदर साहब की डोर इन्ने बजे खोलती है क्या कहते कवाड़ खुलन का वक्त कवाड़ खुलन का समा हरिमंदर साहब के कवाड़ आ दर्शन दीजे खोल ज्ञानी गुरबख्श होरी कहते इन्हां नूं नीवे समझते हो पर गुरु ग्रंथ साहब को पुछ लो इन्हों का कड़ा प्रसाद लिया जा सकता कि नहीं वो कहते ज्ञानी जी लो ज्ञानी गुरबख्श सिंह ने जोड़े हाथ ताबिया बैठे सतगुरा इन्ना नीवियां दी पत रख गुरु रामदास अज हरिमंदर साहब है ना कहते गुरु रामदास इन्हां दी पत रख अज ते तोड़ दे इन्ना हंकारियां दे हंकार पता की हुक्मनामा आया जी उस दिन निगुणियां को आपे बख्श ले भाई निगुणियां को जिन्हां च कोई गुण नहीं है उन्हां नूं भी बख्शिश कर दिंदा निगुणियां को आपे बख्श ले भाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है भाई राम नाम चित लाए गुणहीन हम अपराधी भाई पूरे सतगुर लए रलाए पूरे सतगुर लए रलाए ते जदों सारा हुक्मनामा लै लिया ना ते ज्ञानी गुरबख्श होनी कहिंदे ओ सजणो जो सतगुर गुरु रामदास कह रहा मेरा दाता पूरे सतगुर लय रलाए जो सतगुर ने इन्हों अपने नाल रला लिया आ ते तुसी क्यों बाहर धक्के मार के कढ़दे पे जे नाल रलाओ इन्हों गुरु ने नाल रला लिया अपने तुसी साडे हो गए गुरु ग्रंथ साहब बोले फिर आखो सतनाम श्री सन 1921 ननकाणा साहब आजाद कराउण जाना सिंघां ने सरदार लक्ष्मण सिंह धारो वालिए ने जथा लैके जाना सी जी ननकाणा साहब सवेरे जथा लैके जाना जी कल नूं अमृत वेले चलना उन्होंने चार पांच बजे हुण ध्यान नाल सुनियो गल 21 फरवरी 1921 नूं गए आए शहीद होए ननकाणा साहब का साका 20 फरवरी की रात वा रात नूं अपने घर आ जी भाई लक्ष्मण सिंह ये जथेदार सी उस जथे का जिन्हों जंड नाल पुठा बन के शहीद किया गया सी मिट्टी का तेल पा के अग लाती की होया जी हुण भाई लक्ष्मण सिंह दे घर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है उहदे घर अपनी पत्नी उन्हां दी घरवाली का नाम सी बीबी इंदर कौर
ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਕੌਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਪਾਪੀ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ, ਤੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕੌਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਾਤਾ ਕਿਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾ, ਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਲਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸੋਹ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਚੌਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਵੇਖਿਓ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਤੇਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਨਕਾਣੇ ਨੂੰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਕੀ ਆਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਵਾਕ ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੇਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਰੁਮਾਲਾ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਈ ਜੀ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸੋਹ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਦੇਵ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬੋਲੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ, ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰ ਦਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਾਂ ਇੰਦਰ ਕੌਰੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਛਮਣ ਸਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਤਨ ਮਨ ਕਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਰੀਰ ਡੱਕਰੇ ਡੱਕਰੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁਹਾ ਗਿਆ, ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਦੇਵ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਕੌਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਕਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਡੱਕਰੇ ਡੱਕਰੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਲਹੂ ਡੋਲਣਾ ਪਊ, ਡੱਕਰੇ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਗ ਚ ਪੈ ਕੇ ਸੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਪਤੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ, ਪਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਪਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਅੱਗ ਚ ਪੈ ਕੇ ਸੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਡੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਕਿ ਸਾਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਡੱਕਰੇ ਡੱਕਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗ ਚ ਪੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸੜ ਜਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਦਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸਿਦਕ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਓ ਪਤਨੀ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੱਕਰੇ ਡੱਕਰੇ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਹ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਲ ਗਈ ਆ,
पर जिथे रेलवे लाइन है ना जी ननकाणा साहब जिन्होंने दर्शन किए हूँ तो वीजा लैके जाना पैंदा यह सच जी जदों उत्थे जाना ना कितें मैं दर्शन करन वास्ते जी अज भी उस धरती नूं जदों नमस्कार करदे आ मैं बीबी नूं भी याद करदा इंदर कौरे धन बीबी तू साडी माता तो धन आ तू दशमेश दी बच्ची आ वाकिया सवेरे जदों जथा लैके गए ननकाणा साहब टुकड़े टुकड़े भी होए ते जंड नाल पुट्ठा बन के मिट्टी का तेल पा के भाई लक्ष्मण सिंह नूं अग ला के साड़ के शहीद कर दिता सी अज भी वह जांडिया सन 1984 जदों हरिमंदर साहब हमला होया घल्लूघर 1984 का अकाल तख्त साहब ढह ढेरी हो गया जिस दिन हरिमंदर साहब का प्रबंध सिखां दे हाथ च आया जिस दिन फौज बाहर हो गई तो हरिमंदर साहब दर्शन वास्ते खोल दिता गया सरोवर जिहड़ा हरिमंदर साहब वाला उस वक्त भी सरोवर के जल में लाशां तरदियां पईआं सन लहू वर्गा जल सरोवर का लहू वर्गा अकाल तख्त टट्ठा हरिमंदर साहब 500 तो लैके 600 के करीब गोलियां के निशान गुरु ग्रंथ साहब के सरूपां च गोलियां वज गईआं बदबू आ रही बदबू सचखंड श्री हरिमंदर साहब कहिंदे संगतां ने भिज्जियां अखां नाल अरदास कीती गुरु रामदास अज तक जेड़ा जेड़ा भी तेरे दर ते हल्ला करन वास्ते आया उहनूं सबक मिलदा रहा उत्थों अज हुक्मनामा बख्श संगतां नूं की बोलदा गुरु रामदास गुरु ग्रंथ साहब च बैठे गुरु रामदास अज बोल तेरे अस्थाना दी तेरे हरिमंदर दी इह हालत की वाक दे नां च जिस दिन हरिमंदर साहब खोलिया पता की वाक आया जी उदन आ सुनियो बचन ऐदा बोलदे गुरु ग्रंथ साहब वाक आया किस हो जाची किस आराधी जां सब को कीता होसी जो जो दिसे वड़ा वडेरा सो सो खाकू रलसी जो जो दिसे वड़ा वडेरा सो सो खाकू रलसी जेड़ा भी हरिमंदर साहब दे सामने अकाल तख्त दे सामने जां साडे धार्मिक अस्थाना ते हल्ला बोलदा रहा वा वड़ा होके अपने आप नूं बड़ा महान समझ के इस ते हल्ला करदा रहा वो समा आके खाक दी ढेरी हो जांदा रहा मिट्टी दी ढेरी सो सो खाकू रलसी ते जिस दिन 31 अक्तूबर 1984 नूं वरत्या भाणा दिल्ली दी धरती ते सिखां ने रखी भाई बेअंत सिंह भाई सतवंत सिंह ने कौम दी पग रखी सिर ते जिस दिन वह बदला चुका दिता भाई बेअंत सिंह सतवंत सिंह ने हरिमंदर साहब का सजनों बीबी दुनिया तो चल गई हमला करवाउण वाली की वाक आया उस दिन हरिमंदर साहब भला आखो सतनाम श्री उस तो बाद अगले दिन जो हरिमंदर साहब वाक आया पता की हो भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो आखो सतनाम श्री सांभे पाए हुक्मनामे उत्थे पढ़ के वेखो अज भी यह बनाईआं गल्लां नहीं गईआं गुरु ग्रंथ साहब बोलदे आ भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो धुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो हरनाक्ष मार पचाया हरनाक्ष मार पचाया आखो सतनाम श्री बजदा भरोसा गुरु ग्रंथ साहब ते कि नहीं बजदा ना विश्वास गुरु ग्रंथ साहब ते यह है साडा सतगुर यह है साडा दाता आग्या पई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दसां पातशाहियां दी जोत कहिंदे हो किते तेरे कोल अखां होण तेरे अंदर प्रेम भावना होवे कल्ला कहना ही नहीं दीदार कर सकदा एक गल कह के खिमा मंगण लगा समा बहुत हो गया बेनती सुनियो जिन्ने पीर पैगंबर अज तक दुनिया च आए जिन्निया देवियां देवते दुनिया चाहे जिन्ने रैपर पैगंबर दुनिया चाहे अपनी अपनी वारी सारे संसार तो चले गए पर बाबा नानक दुनिया ते आया ते है आन के गया नहीं गा गया नहीं गुरु नानक भाई गुरदास जी ने यह ते लिखिया कि कल तारण गुर नानक आया कल तारण गुर नानक आया ये कलयुग दे लोकां नूं संसार दे लोकां नूं बाबा नानक तारन आया किते भाई गुरदास ने भी लिखा भी दुनिया नूं तार के ते बाबा नानक चले गया लिखा किते ये तो नहीं लिखा गुरु नानक आया ते लिखा भाई गुरदास ने पर ये नहीं लिखा भी गुरु नानक दुनिया नूं तार के ते चला गया ये नहीं लिखा किते
कल तारन गुरु नानक आया। बड़े बड़े पीर पैगंबर देवियां देवते आए पर चले गए अपनी अपनी वारी। ओ सज्जनों मेरा धन गुरु नानक शहनशाह आया ते सही पर ओ गुरु नानक दी जोत, गुरु नानक दी जोत दसां जामियां विच वरती, दसां जामियां च ते दसां जामियां च ओ जोत वरत के अखीर विच श्री गुरु ग्रंथ साहब दे रूप विच ओ मेरा धन गुरु नानक सदा वास्ते इस धरती ते चौंकड़ा मार के बह गया, सदा लई चौंकड़ा मार के बह गया। इसलिए धन श्री गुरु नानक देव महाराज मेरा दाता आया ते सही पर आन के गया नहीं। ते दिसदा किन्ना अखां नालिया नानक से अखड़ियां बयान जिन्हें दिसंदो मां प्री, जिन्ना नाल मेरा मालक वेख्या जा सकदा वो अखां हो रहा वो शरदा दियां अखां, वो प्रेम दियां ते प्रीत दियां अखां। इस गुरु ग्रंथ साहब नूं सच्चा पातशाह कहिंदे हो। एक बात मैं अज तुहाडी रसना तो भी मगर मगर बुला के ना वो आके जानी अज तां बुला के, तुम हो सब राजन के राजा आपे आप। गुरु ग्रंथ साहब नूं कहना अज जोड़ो हाथ, आखो गुरु ग्रंथ साहब नूं शहनशाहां दा शहनशाह, पातशाहां दा पातशाह, राजां दा राजा। इस धरती ते अगर कोई साक्षात साडा है गुरु ग्रंथ साहब, सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा, सब राजन के सब राजन के राजा तुम हो, सब राजन के राजा, सब राज आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, सब राजन के राजा तुम हो, सब राजन के राजा, सब राजन सब राजन के राजा। मन करके बिरती करके हिरदे च बाणी, तन दे उत्ते गुरु दा दित्ता बाणा, ते कलगी धर दे पुत्र धीओ अमृत धारी होके जियो। जे जीना दशमेश पिता दे पुत तियां बन के सरबंस लटाउन वाला साडे सारियां दी खातर, पुत्तां दा लहू डोलन वाला साडे सारियां दी खातर, ओ दशमेश पिता दे पुत तियां बन के सही अर्थां च धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब शब्द गुरु दे उत्ते निश्चा रख के ए लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले बन जावांगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान करिया अज कोटन कोट शुकर, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का, जिन्हां दी रहमत नाल सब संगतां च मिल बैठ गुरमत विचारां दी सांझ पाउण दा सुपाक प्राप्त होया। सारियां संगतां ने दोनों दिन कल भी ते अज दो दिन दास ने हाजरी भरी है बड़े टकाओ च, समा भी तुहाडा वाहवा लै गया मैं पर टका आनंद है ना जिहड़ा। बड़ियां रातां आउणियां सज्जनों सौण वालियां, दिन आउणे रात आएगी, दास कथा करदा रे रात भी मुक जाएगी पर मेरे गुरु ग्रंथ साहब तेरे बख्शिशां दी बागां तक पैंदी रहेगी। सारियां संगतां दा धन्नवाद, गुरुद्वारा साहब दे सत्कारयोग समूह प्रबंधक साहिबान सरदार गुरबचन सिंह जी, सत्कारयोग साडे माता जी माता बलदेव कौर जी, ओ विछड़ी होई ओ जीव आत्मा कुछ समा पहला जिहड़े सानू विछोड़ा दे गए, सरदार महताब सिंह गुरी जिन्हां दा इह प्यार सत्कार उन्हां दे दोते सत्कारयोग वीर बैठे आ, बचन चल रहे सन कल उन्हां दे, तो सतसंगत उन्हां दी याद साडे दिलां च समोई है। अज साडे विच शरीर करके भावें नहीं पर दिलां च याद करके अज भी ओह साडे दिलां च बैठे आ। सारियां संगतां दा धन्नवाद, सरदार गुरबचन सिंह जी हरी, सोढ़ी साहब सरदार तजिंदर सिंह जी बड़ा स्नेह दास नाल दिली से, सत्कारयोग मैनेजर साहब सरदार सुरजीत सिंह जी हुरी, सारा गुरुद्वारा साहब का स्टाफ, हेड ग्रंथी साहब, भैणां मातावां बच्चियां, बड़ा योगदान है तुहाडा इन्हां समागमां च मेरियां भैणां दा। इदां ही गुरु नाल जुड़े रहो,
ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੇੜਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।